खबर डलमऊ लाइब्रेरी से, जहां अगर आप किसी की मदद करने की सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि डलमऊ पुलिस आपको दर्द दे सकती है। जी हां, ऐसा एक मामला प्रकाश में आया है जहां पुलिस ने एक व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई की कि वह दो भाइयों के बीच हो रही लड़ाई को शांत करा रहा था। जानकारी के अनुसार डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के पूरे वल्ली पोस्ट भीमगंज निवासी श्याम लाल पुत्र राम दुलारे व राजन पुत्र राम दुलारे के बीच मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हो रही थी। कहासुनी होते होते दोनों भाइयों में विवाद होने लगा। तीसरा भाई पुत्तन और यशवंत कुमार पुत्र राम दुलारे विवाद को शांत कराने लगा। मामला शांत हो गया था। कुछ देर के बाद राजन कुमार की पत्नी शिव कुमारी ने पीआरबी को फोन कर दिया। सूचना पर पहुंची पीआरबी ने लड़ाई झगड़ा कर रहे लोगों को शांत करा कर रहे व्यक्ति को भी कोतवाली ले आई और दूसरे दिन 151 में विवाद करने वालों के साथ साथ शांत कराने वाले व्यक्ति को भी 151 की कार्रवाई कर दी। विवाद करने वाले व शांत कराने वाले व्यक्ति ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि कोतवाली प्रभारी ने डंडे से तीनों लोगों को मारा पीटा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कहीं पर कोई विवाद हो रहा हो तो क्या दूसरे कोई मदद नहीं कर सकता, और अगर मदद कर सकता है तो पुलिस ने तीसरे व्यक्ति का 151 में चालान क्यों किया, और अगर चालान कर भी दिया तो पुलिस को मारने का हक किसने दिया। डलमऊ रायबरेली से बलवंत कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? श्याम लाल। क्या प्रकरण हुआ था कल रात में? अरे भैया, दरवाजे बैठे थे और भाई साहब हम बोले कि तुम हम भाई हमारे दरवाजे क्या करने आए। कौन, नाम क्या था उनका? राजेंद्र कुमार। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम श्याम लाल। ठीक, आप दोनों लोगों में लड़ाई होने लगी? हाँ, लड़ाई ये इस बात की हुई कि बोले कि हमारे दरवाजे क्या करने आए वो, तो बोले हम अपने भाई के दरवाजे हैं। हमने कहा हम भी तो तुम्हारे भाई हैं, तो वो बोले नहीं हम तुमको नहीं मानते। वो उसके बाद हमारे ऊपर हाथापाई का करने का प्रयास किया, तो हमने अपना बीच बचाव करने के लिए उनको हमने ठेल दिया, तो अपने घर चले गए। उधर से गाली गुप्ता करने लगे, उधर से हमने फिर जवाब में हम भी उनकी तरफ चले गए, तो वो सब लोग झूठ का नमूना बना दिए कि नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसी चीज की लड़ाई है। पीआरवी 1765 1765 कल आप लोगों को लेके गई है। गाड़ी नंबर तो हमने नहीं देखा है, बहरहाल ये है कि गाड़ी आई थी 100 नंबर। ठीक है, इसमें यशवंत जी का क्या? बीच बचाव कर रहे थे कल रात में। और थाने में कोई घटना? थाने में घटना कोतवाल साहब ने मारा है, 2-4 डंडे हमको भी मारा, भाई साहब को मारा, वो उनको भी मारा। यशवंत भाई, यशवंत से तो किसी की लड़ाई झगड़ा नहीं हो रही थी? किसी से नहीं, ये तो बीच ये बात कर रहे। ये बात कोतवाली में इन्होंने बताई? हाँ बताई है। उसके बाद भी इनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, मारपीट हुई? जी। यशवंत कुमार। कहाँ रहते हैं आप? पूरे वल्ली। क्या हुआ था? हुआ क्या, दोनों भाई आपस में थोड़ी बातचीत हो रही थी और हम छुड़ा रहे थे। छुड़ाने के बाद जो है 100 नंबर को उसने फोन कर दिया, भाई की औरत ने दोनों लोग को बिठा के ले गए, हमको भी ले गए, तो हमारे साथ जो है बर्ताव बुरा किया, मारपीट हमारे साथ किया। किसने मारा आपको? कोतवाल साहब ने मारा। आप बीच बचाव करा रहे थे? हम बीच बचाव करा रहे थे कि लड़ाई न करो। कितने बजे की घटना है ये? 9:30 बजे की घटना है।